Gentleman company involved with the religious lot of pujas and all. You must be known not Bombay Rani ji ka puja. बहुत सालों से हम जुड़े हुए हैं. ये सब करते करते कहीं ना कहीं कॉर्नर पे एक चीज लगा जी, अगर हमें कुछ सोशल भी कुछ करना चाहिए, समाज को कुछ देना चाहिए. और नेपाल जब आपको एक हुआ था उस वक्त मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था जी कुछ करने के लिए. और उस वक्त मैंने देखा कई लोग, कई फ्रेंड्स मिल गया कि मुझे सपोर्ट किया है. और हम लोगों ने यहाँ से सामान लेके 5 ट्रक नेपाल पहुँच के हम लोगों ने डायरेक्ट लोगों को मदद किया. तब लगा जी कभी भी कोई डिजास्टर या कुछ ऐसा होता है, या हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत टैलेंटेड कुछ आर्टिस्ट है, या तो कोई एजेड आर्टिस्ट है, कोई भी है जो ऐसा उनको कुछ प्रॉब्लम है, दुख है, कुछ भी है. सो अगर हम लोग एक ऐसा एसोसिएशन तैयार करें जो हम उनके सामने जाके एक साथ जॉइंट हैंड में कुछ खड़े होके कर सकते हैं, तो यही मेरा एक इच्छा था. और इस इच्छा से मैंने अचानक ये क्रिएटिव कनेक्शन बोल के ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी ये 10 दिन का बेबी है. 10 दिन में मेरी कोशिश के पीछे अभी तक 50-60 लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें बापीदा पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, राजा हसन है, देन देवोजीत है सारेगामा विनर सिंगर, देन शायंतनी घोष है टीवी इंडस्ट्री की, निवेदिता बासु है जो आपको पता है बालाजी के साथ, देन राहुल राज सिंह है, लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट, लॉट्स ऑफ टैलेंटेड स्टार्स, सुभाष भाई जी है, जो लोग ये चीज़ को अप्रिशिएट किया और हमें बोला तू आगे बढ़ हम हैं. तो ये चीज लेके आज उसकी पहला ओपनिंग है. और हमने सोचा इस ओपनिंग कौन सी किस हिसाब से किया जाए, और सामने था सरस्वती पूजा. तो हमने सोचा सरस्वती पूजा जो है वो इंडस्ट्री की है और हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई जो बोलते हैं कोई कास्ट नहीं है. आजकल आपको ये भी पता है हर जगह पे कोई ना कोई कुछ ना पॉलिटिकल एक इशू जुड़ जाते हैं. तो हम चाहते हैं जो क्रिएटिव कनेक्शन है दैट्स वी आर वन, नो बंगाली, नो हिंदू, नो मुस्लिम, इट्स द ओनली कल्चर एंड वी कैन डू समथिंग गुड वर्क विद ऑल हैंड टुगेदर. और इसके पीछे मेरा और भी एक इच्छा है जी, जो बड़े बन जाते हैं, जो स्टार बन जाते हैं बॉलीवुड में, मैं बहुत मेहनत करके इस जगह पे पहुंची हूँ, तो मुझे लगता है जो टैलेंटेड है, जो अपकमिंग है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उनको अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में भी कुछ हेल्प कर सकते, सपोर्ट दे सकते, सो क्यों ना हम लोग एक कोशिश करें. तो इस कोशिश के पीछे मेरा ये चीज़ है. और इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे, मैं इतना नाम तो मुझे याद भी नहीं है, ऋषिता भाट है, देन और भी प्रत्युषा है, राहुल दास सिंह है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, रूपाली गांगुली है, जया भट्टाचार्य है, टीवी के काफ़ी लोग आ गए, सिंगर्स के ग्रुप पे काफ़ी लोग आ गए, रियलिटी शो से काफ़ी लोग आ गए. मैंने अभी बोला राजा हसन बहुत मुझे सपोर्ट कर रहा है, देन बापीदा पीछे से सपोर्ट कर रहा है. अभी आगे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए तो हम इस तो एक बॉलीवुड क्यों बॉम्बे में एक रियल क्लीन प्लेटफॉर्म, जिसके पीछे हम नोबेल कॉज के साथ एक पूरी साल कल्चरल में काम पे जुड़े रहे. और हमारा नेक्स्ट वेंचर है बैशाखी करेंगे. और आज जो हम लोग पहला शुरुआत किया है नोबेल कॉज का, बहुत कम वक्त में आज दिव्या बोल के एक स्क्रिप्ट राइटर है इंडस्ट्री में, जो भाग मिका भाग में उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, और शी इज़ अ हैंड्रिकर, तो हम उनको बुलाए, उनको हम लोग आज जिस हमारे ग्रुप की तरफ से हम कोशिश करेंगे एक मिनिमम अमाउंट देके उनको ऑनर करें, और उनको हम लोग कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, हमारे तरफ से कुछ भी होगा तो हम लोग करेंगे. थैंक यू वेरी मच. कौन पूछ रहा है, कोई तो बोलो. ये क्रिएटिव कनेक्शन एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, और इससे काफ़ी मतलब आर्टिस्टों को जो नए न्यू कमर्स जो है उनके लिए भी नया प्लेटफॉर्म अपने आप में एक होगा. और दूसरी बात ये है कि इसके ज़रिए सबसे पहले हमारा जो पर्सनल लालच वो है वो ये है कि जितने आर्टिस्ट हैं जो एक दूसरे से हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग हमारी जो मीटिंग है हमारा मिलना मिलाना हो जाता है, और काफ़ी जो हमारी बातें जो आधी अधूरी रह जाती है वो एक दूसरे से हो जाती है. कितना पीपल आर सपोर्टिंग, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का अच्छा रिस्पांस है, और ये तो पहली बार है. इसमें और भी बहुत सी चीज़ें अभी तो जुड़ते जाएंगे, बहुत से नए नए क्रिएटिवली हम लोग इसमें बहुत सा कुछ करने वाले हैं. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं रही, तो इंशाल्लाह ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा सभी आर्टिस्टों के लिए, सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सभी सभी लोगों के लिए. हम जवाब ही नहीं दे सकते, होता यही कि हम गा के आ जाते हैं, एक ही गाने को 16-16 लोग गाते हैं, तो हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सा गाना हमारा बाहर आने वाला है. हाँ ये है कि काम चल रहा है, आप सबकी दुआएं हैं, सभी कुछ कहीं रुके हुए नहीं है,
सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और जो आता है वो देख ही जाता है, जैसे प्यार का पंचनामा 2 आया या जो भी गाने आए वो अपने आप पता चल ही जाते हैं। और इसमें मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक संभाल के रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली सरस्वती पूजा एक ऐसा ओकेजन है जो बहुत बंगाली कल्चर में प्रेविलेंट है, और मैं बिकॉज मेरा बॉन्ग कनेक्शन है, माय मासी एंड माय मेशो देयर बॉन्ग, सो आई थिंक मैं एक्चुअली लोग सोचते हैं मैं बंगाली हूँ, मैं काफ़ी हद तक बंगाली हूँ, एंड आई एम एक्चुअली देयर किड। तो मुझे बचपन से कल्चर से इतना ज़्यादा लगाव है, दुर्गा पूजा से लेके काली पूजा, सरस्वती पूजा, एंड आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ बॉन्ग दैन एक्चुअली गुजराती, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये स्पेशली वट एवर गॉड और वट एवर फॉर्म यू बिलीव इन, आई थिंक सरस्वती माँ जो है वो हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं। एंड यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है जहाँ सारे बहुत सारे क्रिएटिव लोग और आर्टिस्ट ने मिलकर इसे फंक्शन को खड़ा किया है और इस पूजा का आयोजन किया है, ताकि इट कैन हेल्प नॉट जस्ट यू नो पीपल हु आर इन नीड, बट ऑल्सो पीपल हु वुड प्रोबेबली कम टू देम फॉर हेल्प। तो आज आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? वेल फैक्ट दैट मैं यहाँ आई हूँ, एंड मैं सबके प्रोग्राम देखने वाली हूँ, दे इनवाइटेड मी, मैं थोड़ी देर के लिए देखूंगी, देयर आर लॉट ऑफ वंडरफुल सिंगर्स यू कैन हियर इन द बैकग्राउंड, सो यस दैट्स व्हाट आई विल बी वॉचिंग देम फॉर सम टाइम। क्वाइट अ फ्यू, बट राइट नाउ इज नॉट द राइट ओकेजन। थैंक यू। देखिए बहुत बड़ा दिन है, सरस्वती पूजा, सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने आए, तो सोमू जी ने जो आज काम शुरू किया है उसके लिए मेरी कंपनी वीनस कंपनी उनको बधाई देती है, और फ्यूचर में उनके लिए सारे सक्सेस हो और अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि वो अच्छा काम भी कर रही है, तो हमारी तरफ से सब काम। आज के दिन में कुछ खास आप सरस्वती जी से कुछ मांगना चाहेंगे, कुछ आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए? नहीं, हमेशा उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है, और उनके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली आज हमने पूजा की है, और सरस्वती जी का आशीर्वाद रहेगा तो ही आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो इससे जो काम हमारा जो म्यूज़िक का काम है उसमें सरस्वती जी की का होना का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, उन्होंने आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई है उनके लिए, और अच्छा काम करें, और भी इनके जो सोशल काम है वो काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखा है और मैंने मतलब पढ़ा भी है उनके, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और शुभकामनाएं।
प्रोडक्शन देना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ, मैं ही दे लेती हूँ। हाय, माय नेम इज पूनम झावर, यू ऑल मस्ट बी नोइंग मी। दिस इज अ वेरी ग्रेट फंक्शन टुडे। इनफैक्ट माँ सरस्वती को हम सब बहुत मानते हैं और उनकी वजह से हम कला के क्षेत्र में आते हैं, और आज इन्होंने उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है एंड वी ऑल आर हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि अदरवाइज पार्टीज में जाते रहते लेकिन ऐसे फंक्शंस बहुत रेयरली मुझे मिलते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू हर शो, हु विल गिव द आंसर फॉर अस। थैंक यू पूनम जी, आप सब लोग हैं और मेनली हमारे जो सरस्वती पूजा के पीछे, सबको आपने थोड़ी देर पहले ही बताया जो क्रिएटिव कनेक्शन है, क्रिएटिव कनेक्शन का ये भी पार्ट है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड शी इज नाइस ह्यूमन बीइंग, नाइस आर्टिस्ट। सो ऐसे लोग अगर साथ में जुड़ जाए तो हम आगे नोबेल कॉज भी करेंगे और धमाल भी करेंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम, क्रिएटिव वर्क है, यही हमारे साथ है एंड शी इज विथ मी एंड शी इज हियर टुडे, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देखा जाए तो मतलब पूरी एक टीम है, हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहा है, मतलब नॉट ओनली मनी वाइज बट हेल्पिंग वाइज। जैसे आपको बिलीव नहीं हुआ, सुबह मैं पूजा में आई थी तो मैंने लोगों को अपने हाथों से पानी भी पिलाया, किसी को गिलास दिया, किसी को चाय दी और झूठे बर्तन भी उठाए, क्योंकि भगवान के मंदिर में जब आते हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये मेरा मानना है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि, और ऑफकोर्स अगर उन्हें किसी चीज़ की कमी है तो हम सब लोग हैं कि फंक्शन बहुत अच्छे से जाए और सब लोग जो भी आए वो खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए। हाँ, प्रोफेशनल फ्रंट एक्चुअली आई बीन वेरी लो, थोड़ा सा मैंने गैप दिया क्योंकि कुछ अच्छा फिल्म्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है और टीवी सीरियल्स अभी तक मुझे समझ में आए नहीं, बट वेरी सून आप मुझे एक इंडो अमेरिकन फिल्म में देखेंगे जो पेरिस के ऊपर जो भी हमला हुआ था उसकी एक फिल्म है, और एक ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी एपिक फिल्म है जो अपनी हिंदी में बन रही है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। सो बस वही तैयारी में लगी थी इतने दिनों से, तो होपफुली आप सपोर्ट करेंगे सब लोग, तो बहुत जल्दी धमाका करूँगी। थैंक यू डियर, थैंक यू। मैं ऐसे ही देखूंगी जहाँ पर सवाल होगा। एनीवेज मुझे मेरी चाइल्डहुड का याद आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बचपन में you know, हम सब पूरा दिन में मेरे कजिन्स, मेरे फ्रेंड्स, छोटी छोटी लड़कियाँ, हम लोग सब साड़ी पहन के घूमने निकलते थे, सरस्वती पूजा मनाते थे। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे, और बहुत सालों बाद आई एम गेटिंग टू एक्सपीरियंस इट अगेन इन बॉम्बे, सो इट्स रियली नाइस। हर साल पूजा होती होगी, मुझे पहली बार बुलाया है तो इसलिए मेरे लिए फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हो रहा है बॉम्बे में सरस्वती पूजा का। नहीं तो ऑब्वियसली घर पे पूजा करते ही हैं, बट ये जो माहौल होता है इट्स वेरी नाइस। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्रिएटिव कनेक्शन। आई एम सॉरी, नो डिटेल्स ऑन दैट राइट नाउ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। थैंक यू। Things are too private for me when it comes to Valentine's Day, because I don't want ki kisi ki nazar lage, so let it just be between me and my Valentine. Thank you, thank you. अरे एक मिनट, कैसे है ना तू? क्रिएटिव कनेक्शन। वसंत पंचमी को जो है हम लोग का बहुत बड़ी दिन है बंगालीज का, सरस्वती पूजा। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ शोमू जी को, शोमू मित्ता जी को, स्नेहा को, जो इतना सुंदर उन लोग अरेंजमेंट किया है। सरस्वती पूजा मेरा घर में भी होता है बट ये जो पूजा शुरू हुआ आज से, ये हमको मेरा लगता है ये बहुत ही मैंने अच्छा हुआ फॉर द कल्चर ऑफ द बंगालीज पीपल। आई थिंक इट्स वंडरफुल शोमू, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड क्रिएटिव क्रिएशन दिस प्रोग्राम सरस्वती पूजा।
wonderful, and I always support also, before also, I am supporting now also. Anytime, if you need Bapi Lahiri's any work, because, देखिए, सबसे बड़ा है माँ सरस्वती का हम लोग पुजारी हैं. संगीत सरस्वती माँ छोड़ के कुछ नहीं होता है. बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद से बापी लहरी आज 45 years काम कर रहे हैं. और मैं चाहता हूँ समू जी को कभी भी बापी दा का जरूरत हो, आई एम विथ यू. क्रिएटिव कनेक्शन ऑलवेज दादा ग्रेटफुल टू यू. और हमारे जो नोबेल कॉज है, अभी जस्ट नाउ वी ऑलरेडी ऑनर टू वन हेनरी कप स्क्रिप्ट राइटर फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड वी डोनेट 5,000 एंड जस्ट फर्स्ट ईयर. एंड बापीदा एंड बापीदास फैमिली आई थिंक इन द बॉम्बे इज अमेजिंग फैमिली हु इज ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर एनीथिंग एनी वेयर फॉर गुड थिंग्स. एंड रेमा बाप्पा तनिषा ऑलवेज देयर फॉर अस. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो जे they already supported for this occasion. Rema is had given a donate to the sweets for lot of kids we distribute today and for all the publics who has came. So thank you very much. Thank you very much to all of you also, and thanks Dada and Lahiri family. Thank you. Thank you Shamu and Sneha. Thank you.
हेलो, ये मैं तो पहले कुछ बोलना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू शोभू इनवाइटिंग मी हियर. क्रिएटिव कनेक्शन वंडरफुल थिंग फॉर द बंगालीज. हमरा बंगाली जरा जरा बंगाली आछी हमरा बॉम्बे ते मुंबई आमी बाड़ी ते प्राय 30 बछर धरे पूजा करछी. বম্বেতে সত্যি সরস্বতী পুজো খুব কম হতো. এই যে একটা সুন্দর শুরু করলে আজকে ক্রিয়েটিভ যে কানেকশনের প্রেজেন্সে, আমার তরফ থেকে আমি সমস্ত বলেছি ডেফিনেটলি আমি আছি তোমাদের সাথে. এবং এটা আমার খুব ভালো লাগলো যে আগুনের পরশ মনি ছোঁয়াও প্রাণে এই গান দিয়ে শুরু হলো. আমার মনে অনেক তোমরা অনেক কিছু করবে. আর আমার মনে হয় এনি টাইম কিছু ব্যাপারে কোনো আমার তরফ থেকে যদি কোনো সাপোর্ট সমু চায় বা ক্রিয়েটিভ ইনস্পিরেশন চায়, আই এম উইথ এভরিবডি. আই এম উইথ অল মাই কমিউনিটি অ্যান্ড এভরিবডি লাইক অল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজেস. মহারাষ্ট্রিয়ান লোক হিন্দুস্তানি হ্যাঁ, বাট সরস্বতী মা জো হ্যাঁ উনকা দয়া সে হাম খাতে হ্যাঁ. और आज 45 ইয়ার্স जो मैं काम कर रहा हूं उनका आशीर्वाद है. सरस्वती माँ को तो उनको उनको पूजा बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच शोमू एंड स्नेहा. थैंक यू वेरी मच.